आश्चर्य, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है। किसने रखा है? मेरे मॉम डैड ने। क्या तुम्हें सचमुच पसंद है? और क्या है ना जी, आप होता। आया आया। मीठा नहीं, खट्टा मीठा नाम है। चेरी कैरी, ये भी कोई नाम है? यू नो व्हाट, आई एम श्योर तुम्हारे मम्मी पापा जरूर किसी ऑफ मूड में तुम्हारा ये नाम रखा होगा। ओह रियली? और तुम्हारा नाम जीत, ये भी कोई नाम है? आधा नाम लगता है आधा, पूरा नाम तो होता है चरणजीत। चरणजीत, ये भी कोई नाम है? ये किसका नाम हो सकता है? मेरा। चरणजीत कौर एंड चेरी इट्स ओनली फॉर माय नियर एंड डियर वंस, समझे? ओह बाय द वे, हमारा भी नाम कोई आधा दूरा नहीं है। बंदी का पूरा नाम है जीत खुराना। जीत खुराना। ओह इम्प्रेसिव। हाँ देखे इन दोनों को, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं दोनों। हाँ जी। लड़न दो जी, लड़न दो। इन्हें प्यारी प्यारी लड़ाइयों से तो प्यार बढ़ता है। सुबह सवेरे मंदिर भी हो आए भैया, सूरज के तो निकले आज। मैं मंदिर ऐस वास्ते गई थी कि मैं इनकी शादी का मुहूर्त निकाल सकूं। भरजाई जी, कब का मुहूर्त शुरत निकला है? अजी दो मुहूर्त निकले हैं, एक दो महीने बाद का है और दूसरा। हाँ दूसरा। और दूसरा दो दिन बाद का है। भैया दो दिन बाद का मुहूर्त तो समझ में नहीं आया, दो महीने बाद ये मुहूर्त सही है। कुक्की वीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दो महीने तो लगेंगे ना शादी की तैयारी शारी करने के लिए। देखो जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मेरा बस चले ना तो मैं इन दोनों की शादी आज ही करा दूं। आपको क्या पता जी, बेटे की शादी के लिए एक माँ के दिल में किन्ने किन्ने अरमान होते हैं, और खासकर जब चेरी जैसी बहू कार आ रही हो। आप फिक्र ना करो जी, मैं दो दिन में सारा इंतजाम कर दूंगी। हाँ जी पुत्र, तू क्या कहता है, है? अगर आप कहती हैं कि शादी दो दिन में होगी तो शादी दो दिन में ही होगी। चलो जी उठो उठो, सब तैयारियां शुरू कर दो, दो दिन बाद साडे कारज आनंद कारज है। ठीक है। लेकिन मम्मी जी, वीर वीर घर पर नहीं है, क्या हमें वीर के आने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए? आखिर उनके छोटे भाई की शादी है। उन्होंने अपनी शादी में मेरा इंतजार किया था। मुझे तो शादी के कितने दिनों बाद घर लौटने पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था, तो अब मेरी बारी, उन्हें भी मिल जाएगा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। तू नहीं जानता जीते
आज इस पल तूने कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, क्योंकि ये शादी वाकई वीर के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगी। बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तेरे पास शब्द, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ताई जी, अब मैं आ गई हूं ना, मैं शब्द का पूरा ख्याल रखूंगी। After all, I'm his best friend. लेकिन तुम्हें इस हालत में माही छोड़ के कैसे जा सकती है, जिसके लिए दिल में जरा सी भी फीलिंग हो कोई उसे कैसे छोड़ के जा सकता है ना? करने लगी माही, अब मैं तेरे लिए तेरी मां की तरह ही हूं ना? सोनी, ये क्या है? घर में 2 दिन बाद शादी है, इतना काम पड़ा हुआ है और तू हाथ बटाने के बजाय अपने कमरे में मुंह सुजा के मनुष्य शक्ल बनाकर पड़ी हुई है। खुशी के मौके पे अपशगुन ही फैलाना, ये तुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। नहीं मम्मी जी, वो तो बस मैं माही के बारे में सोच रही थी। तानी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? अच्छी ही होगी, ऐसे लोग खुद तो बड़े अच्छे रहते हैं, बस दूसरों की हालत जरूर। अब रब दे वास्ते तू अपनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार बहन के चक्कर में ना घर का माहौल ना बिगाड़, समझ गई कि नहीं? हाँ। चल फटाफट तैयार हो जा, जीते और चेरी के साथ तुझे शॉपिंग पे जाना है। मुझे? तुझे। जा जा, अच्छा मौका है, कुछ सीखने को तो मिलेगा कि बड़े घर की शादी की शॉपिंग किस तरह होती है। और हाँ, अपनी सलाहें ना अपने पास ही रखना उधर। बेचारे चेरी, कहीं अपनी शराफत में वो तेरे पसंद की चीजें ना खरीद के लाए। इतना सड़ा हुआ टेस्ट है कि ना पूछो।
What a sari. अच्छी है ना? नहीं. नहीं अच्छी? हाँ अच्छी साड़ी है. तो फिर मुझे क्यों इतनी अच्छी लग रही है? Never mind. भाई साहब और साड़ियाँ दिखाइए. ठीक है. बहुत ही खूबसूरत साड़ी दिखाइए मुझे. ओके. भी नहीं डिसाइड हुई. चेरी मैंने डिसाइड कर लिया. शादी के दिन तुम क्या पहनोगी? ये या ये हाँ. लोग कहते हैं चेहरा देखो, ऐसा है जैसे चांद निकला है. लेकिन चेरी, जब तुम ये साड़ी पहनोगी ना, तब मुझे कहना पड़ेगा कि चेहरा देखो, ऐसा है जैसे सुबह का सूरज निकला है. देखो इसमें तुम सचमुच उगते हुए सूरज की तरह खूबसूरत लग रही हो. Really? Then I'll take this one. वैसे जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लड़कियों की शॉपिंग इतनी अच्छी तरह कर सकते हो. By the way, thanks, हाँ? Anytime, Cherry. Oh God, जी, I think मैं दो चार सामान गाड़ी में भूल आई हूँ. मैं अभी लेकर आती हूँ. हाँ. अरे रहने दो चेरी, सुबह ले लेंगे. Okay. अरे मेरा फोन. चेरी, मेरा फोन तो तुम्हारे पास था ना? हाँ, आई थिंक मैं वो भी गाड़ी में भूल आई. आई एम सो सॉरी. नेवर माइंड. आए 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 आए, मर जा गुड़खा के. लगता है पूरे का पूरा जलंधर शहर ही उठा कर ले आए हो. ओए जीत, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं कुछ लेकर आया? जा, मुझे पता था. लवली बुआ, मैं आपके लिए कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना ला सकता हूँ. मैं आपको खुद साथ में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा और आप अपने पसंद की चीज ले लेना. मैं तो मजाक शजाक कर रही थी. जा, थक गया होगा, जाओ जाकर आराम शाम कर. मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी की अभी अपने सारे कपड़े ट्राई करूँ, स्पेशली अपनी वेडिंग साड़ी. चलो. तू कहाँ जा रहा है? साड़ी तू इसे पहनाएगा? लवली बुआ, मैं ये रखने जा रहा हूँ. चल ठीक है, जा. सोनी, तू भी थक गई होगी, जा जाके आराम कर. कल हमें बहुत सारा काम शाम करना है. देखा लवली बुआ, मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ. अब तो आप खुश हो? खुश हूँ. भी तेरे को तो पता है मैं तेरे को किसी और के साथ नहीं देख सकती. लॉजिक कमाल हो गया. तुम्हें पता है ना, मेरी जिंदगी की तरह मेरे कमरे में भी आने की इजाजत नहीं है तुम्हें. जीत, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ और इस बात को और टाला नहीं जा सकता. जीत, तुम शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम्हें जलन हो रही है?
तुम ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो जीत। तुम चेरी से प्यार नहीं करते। साइड ड्रेसेस ट्राई करूंगी। यहां थे। चलो इसी बहाने जीत से मिलाती हूं। मेरे आगे झूठा अपनापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है सुमी। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। जीत, तुम्हें नहीं लगता कि किसी से शादी की वजह बदला नहीं प्यार होना चाहिए? और अगर प्यार ही बदला बन जाए तो? चेरी बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम इस बदले की वजह से उससे शादी करोगे तो अपने साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। जी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम चेरी से प्यार नहीं करते तो उससे शादी मत करो। प्लीज उससे शादी मत करो जीत।